सो नाउ वी विल बी डूइंग द क्रिटिसिज्म ऑन न्यूरलिज्म, और इसमें रियलिज्म का भी क्रिटिसिज्म ही है साथ ही, ठीक है, अंदर ही है मुझ सुई ये चीज़ें, तो आप दोनों को देख लें, दोनों के लिए ये काम आ जाएंगे। और काफ़ी सारी चीज़ें तो रेपिटेटिव भी हैं, ठीक है, आप निकाल लेना, जो चीज़ें एक्सक्लूड करनी है कर लें। अच्छा जी, द एंड ऑफ कोल्ड वॉर विच रियलिज्म फेल टू प्रिडिक्ट एंड स्ट्रगल टू एक्सप्लेन, ये एक क्रिटिसिज्म आता है कि जनाब आपने तो कहा था कि पावर इकट्ठी कर रहे हैं और एक सेल्फ हेल्प सिस्टम है और एक स्पाइरल चलता रहेगा और एट द एंड उसमें जाके जो है ना इनएविटेबल है, वॉर्स होंगी और जो है ना कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, ये तो होगा ही होगा, लेकिन आप तो ये प्रिडिक्ट ही नहीं कर सके कि कोल्ड वॉर बगैर कोई जंग लड़े सोवियत यूनियन और यूएस, वो आपस में उन्होंने ट्रीटी साइन की, उन्होंने वो जो है न्यूक्लियर रिडक्शन आर्म्स रिडक्शन के लिए स्टार्ट ट्रीटी साइन की, उन्होंने आपस में जंग ख़त्म कर दी, जो कोल्ड वॉर था उसका ऐसे ही एंड हो गया, वो तो आपने बताया ही नहीं वो कैसे हो गया। अगर आपकी बातें सारी सही हैं तो इसमें तो इनएविटेबल था, एक स्पाइरल चलना था, वॉर का नहीं हुआ कुछ भी। और फिर जी इसके बाद आप जो है यू फेल टू प्रिडिक्ट द इम्पैक्ट ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स। नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं, जो यानी एक गवर्नमेंट लेवल पे नहीं काम कर रहे, जो एक स्टेट लेवल पे काम नहीं कर रहे, कुछ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं। एक एग्जांपल उसकी अलकायदा है, जैसे उन्होंने 9/11 पे अटैक किया तो उन्होंने पूरा इंटरनेशनल सिस्टम एक तरह से चेंज कर दिया। क्या हुआ था कि यूएस का एक जो स्टांस था वो फॉरेन कैसे ऑफेंसिव रियलिज्म वाला उसका एक स्टांस दुनिया के सामने एक्सपोज हुआ, और कैसे यूएस ने जो है वो अटैक किया अफगानिस्तान के ऊपर, और मतलब एक पूरा एक सिनेरियो चेंज हो गया। तो नॉन स्टेट एक्टर्स का जो रोल है वो तो ये ना तो प्रिडिक्ट कर सका रियलिज्म, ना ही डिफाइन कर सका, कि उन्होंने तो बस बात की या तो स्टेट की या इंडिविजुअल्स की, लेकिन जो इस चीज़ को लेके नॉन स्टेट एक्टर्स आते हैं उस चीज़ की तो बात ही नहीं हुई। फिर जी द एडवांस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन टोटली इस चीज़ के ऑपोजिट है जो नेशनल इंटरेस्ट है, ये दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ हैं। ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि ग्लोबल बातें होती है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल इंटरेस्ट की बात होगी, इक्वालिटी की बात होगी, ह्यूमन राइट्स की बात होगी, बल्कि एक इसके ऊपर एतराज़ एक क्रिटिसिज्म ह्यूमन राइट्स का भी है कि आपने तो कह दिया ह्यूमन जो है इनरेंटली सेल्फिश होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोई कुछ भी करे तो किसी के जो राइट्स हैं वो अगले बंदे के जो इन्फ्रिंज हो रहे हैं, या जो स्टेट्स हैं वो किसी के ऊपर अटैक करती है या अपना नेशनल इंटरेस्ट देखती है दूसरों का नहीं देखती, तो उससे जो वहाँ के दूसरे स्टेट्स के ह्यूमंस हैं उनके राइट्स का क्या बनेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ये एक्सप्लेन ही नहीं कर सकी, और ये एक बड़ा क्रिटिसिज्म है इसके ऊपर कि ये जो है ना कोई अच्छी थ्योरी नहीं थी इस लिहाज से। अच्छा जी, फिर जी ये बात भी है कि रियलिज्म में आपस में ही बहुत ज़्यादा डिवाइड है, इसके अपने ही रियलिस्ट क्रिटिक्स ये कहते हैं कि इतनी ज़्यादा पावर अमैस करने से अपने आप को ही सेल्फ डिफीट होती है। फिर जी एब्सोल्यूट जो सिक्योरिटी का क्वेस्ट है ना बाय वन स्टेट, इट वुड बी परसीव बाय द अदर एज क्रिएटिंग एब्सोल्यूट इनसिक्योरिटी फॉर द अदर मेंबर्स ऑफ द सिस्टम। अगर यानी एक सिस्टम है तो सिस्टम में अगर एक स्टेट इतनी ज़्यादा पावर ले रहा है तो दूसरे इनसिक्योर हो जाएंगे, ठीक है। फिर वही बात अपवर्ड स्पाइरल की बात है। फिर जी रियलिज्म ऑफर्ड नो क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग व्हाट हिस्टोरिकल डाटा वर सिग्निफिकेंट। इसके यानी ना इस लाइन का सिंपल सा मतलब ये है कि रियलिज्म और न्योरियलिज्म इट्स जस्ट अ थ्योरी, ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, ठीक है। कोई एम्पिरिकल इनके पास डाटा नहीं था देने के लिए, कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं था। फिर जी व्हेन द पॉलिसी रिकमेंडेशन दैट पर्पोर्टेडली फ्लोड फ्रॉम इट्स लॉजिक वर ऑफन कॉन्फ्लिक्टिंग, रियलिस्ट देमसेल्फ वर शार्पली डिवाइडेड। वही बात वियतनाम वॉर हुई, इराक के ऊपर अटैक हुआ, तो उसमें यूएस जो थे रियलिस्ट जो थे वो ही इस चीज़ को कर रहे थे कि वॉर पे जाना एक फ़ायदेमंद बात नहीं थी। यानी ये रियलिज्म का ही एक तरह से क्रिटिसिज्म है कि रियलिज्म कहते हैं नेशनल इंटरेस्ट को परसू करना है, लेकिन वॉर में जाना एक्चुअली नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट नहीं कर रहा था, नेशनल इंटरेस्ट को ख़राब कर रहा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा स्पेंड कर दिया उन जगहों पे वॉर में जाके जिसका कोई फ़ायदा उनकी नेशन को नहीं हुआ। तो इसका जो है वो यही कहते हैं कि रियलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दैट वाज नॉट अ गुड पॉलिसी। फिर जी न्यू डेवलपमेंट्स जो कि वर्ल्ड में हो रही हैं वही ग्लोबलाइजेशन की है, और जो बिजनेसेस चल रहे हैं इंटरडिपेंडेंस है उसकी वो बात ही नहीं कर रहा, उसको वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये आप स्लाइड जो है बिल्कुल ये निकाल लें सेंटेंसेस, ये बुक से ही लिए हुए हैं, डिफरेंट बुक्स थी ग्लोबल पॉलिटिक्स आई थिंक, उसमें से काफ़ी सारा मटेरियल लिया हुआ है। तो ये वही बातें हैं, वही रिपीट हो रही हैं, ठीक है। यूरोपियन यूनियन जैसे बनी थी कि आपस में पहले वो नेशनल इंटरेस्ट को परसू करते रहे, तो उनकी इतने ईयर्स उन्होंने आपस में लड़ते गुजार दी, लेकिन फिर एकदम उनको ख्याल आया तो उन्होंने आपस में सुलह कर ली।